मेहनत, मजदूरी, मुनाफा, ये किसी भी बिजनेस का बेस है। और अगर काम फटाफट हो, मेहनत कम लगे और मुनाफा भी हो जाए तो क्या बात हो, यानी स्मार्ट बिजनेस। अब अगर ये कहें कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी कुछ ऐसे ही बिजनेस की तैयारी में है, तो शायद लोग कहेंगे कि वैज्ञानिक और बिजनेस। लेकिन ये सच है कि इसरो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट की तैयारी में है। अंतरिक्ष उद्योग में इस तरह का सौदा पहले कभी नहीं सुना गया है। कम खर्च और मांग पर प्रक्षेपण, इस पर नजर रखते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुरू किया है अपना नया प्रोजेक्ट बेबी पीएसएलवी, या यूं कहें कि लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी एसएसएलवी। इस उपग्रह का सबसे रोचक पहलू ये है कि इसे बस 3 से 4 दिन में और 3 से 6 लोगों की मदद से तैयार किया जा सकता है, जबकि दूसरे प्रमुख उपग्रहों को बनाने में 300 से 400 लोग लग जाते हैं और करीब 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है, जबकि एसएसएलवी को मात्र 72 घंटे और 3 से 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अभी प्रोडक्ट बाजार में आया नहीं कि बुकिंग शुरू हो गई। आजकल बाजार में ऐसी स्थिति काफी देखने को मिलती है। कार हो या बाइक हो या फिर मोबाइल को ही ले लो, कोई नया मॉडल लॉन्च होने से पहले ही उसकी बुकिंग हो जाती है। इसरो के इस नए प्रोजेक्ट बेबी पीएसएलवी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अभी ये पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है। इससे पहले ही इसरो को इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सेवा लेने वाले ग्राहक मिल गए हैं। स्पेस इंडस्ट्री में ये पहली डील है। इसरो के इस रॉकेट के पूरी तरह से आकार लेने से महीनों पहले ही अमेरिका के एक कंपनी की ओर से व्यावसायिक पेशकश मिल गई है। ये डील अमेरिका के सियाटल की कंपनी स्पेस फ्लाइट के साथ हुई है, जिसने एसएसएलवी की पूरी दूसरी उड़ान खरीदी है। इसरो की माने तो एसएसएलवी का पहला लॉन्च इस साल के अंत तक किया जाना है और इस बेबी पीएसएलवी के जरिए 2020 के शुरुआत में अमेरिकी कंपनी स्पेस फ्लाइट की तरफ से 4 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। क्या एसएसएलवी इसरो के लिए सोना उगलने वाला प्रोजेक्ट साबित होगा? क्या आने वाले दिनों में इसरो की चांदी होने वाली है? क्या ये छोटा प्रोजेक्ट बड़ी आमदनी का जरिया साबित होगा? अगर इस स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों की माने तो स्मॉल सैटेलाइट का वैश्विक कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एसएसएलवी प्रोजेक्ट इसरो के लिए धन की बरसात कर सकती है। दुनिया भर में कोई सैटेलाइट निर्माता बिना परीक्षण किए गए व्हीकल से लॉन्च कराने का जोखिम नहीं उठाता। ज्यादातर नए रॉकेट को बाजार में स्वीकार्यता के लिए लगातार 3 बार अपनी उपयोगिता और भरोसा साबित करना पड़ता है। मार्च 2019 में देश के अंतरिक्ष विभाग ने नई व्यवसायिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड शुरू की थी। इस इकाई ने 6 महीने से भी कम समय में एसएसएलवी समेत बिक्री का नया रिकॉर्ड बना डाला है। छोटा रॉकेट आएगा बड़े काम। दुनिया भर के छोटे सैटेलाइट्स का करेगा प्रक्षेपण। इसरो का ये नया लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी, जिसके जरिए छोटे सैटेलाइट को अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करने की वैश्विक मांग को पूरा किया जाएगा। ये नया रॉकेट 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित कर सकेगा। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन के मुताबिक ये छोटा रॉकेट कम खर्च में हल्के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने का जरिया बनेगा। पीएसएलवी की तुलना में कम कीमत और उच्च लॉन्च दर पर छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के उद्देश्य से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित किया जा रहा है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के निर्माण की लागत पीएसएलवी की मात्र 10% होने की उम्मीद है। हालांकि अंतरिक्ष कॉरपोरेशन की माने तो यह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसे एक सीमित लागत के अंदर ही बनाया जाना है। एसएसएलवी 3 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें सिर्फ ठोस ईंधन ही होंगे। इसरो हर साल 50 से 60 एसएसएलवी के मिशन पूरे करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहता है, ताकि बाजार की जरूरतें पूरी की जा सकें। फिलहाल पीएसएलवी जैसे रॉकेट की अनुपलब्धता के कारण हाथ बंधे हुए हैं। वे एसएसएलवी का भरपूर उपयोग करना चाहेंगे, ताकि बड़े वैश्विक कारोबार में इसरो की भागीदारी बढ़ाई जा सके। इसरो एसएसएलवी रॉकेट के जरिए सालाना 1500 से 2000 करोड़ रुपए की कमाई करना चाहता है। भारतीय वैज्ञानिकों को कई बार तकनीकी कमी खलती है, कई बार आर्थिक कमी के कारण तकनीकी विकास भी प्रभावित होता है। सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद भी कई बार किसी प्रोजेक्ट के लिए काफी नहीं होती है। इस हालात में एसएसएलवी, जिसका लागत मूल्य कम है, इसे बनाने में मेहनत भी कम है, इससे इसरो बड़े मुनाफे की उम्मीद कर रहा है, जो न केवल इसरो को तकनीक के मामले में बल्कि आर्थिक तौर पर भी एक पायदान आगे लाकर खड़ा करेगा।